तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जैसा कि मेरा प्रश्न है कि बारह सौ के कुल कितने गुणनखंड होंगे और कौन कौन से होंगे देखिएगा गुणनखंड का मतलब क्या होता है गुणनखंड का सिंपल सा मतलब होता है वैसी संख्या वैसे नंबर जो दी हुई नंबर को विभाजित कर सके फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे बारह क्या लिखा बारह तो बारह के गुंदनखंड कौन कौन से होंगे तो बारह में कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है आपका तो बोलेंगे एक से दो से तीन से चार से छः से और बारह से ठीक है तो बारह था तो हम आसानी से बता दिए कि एक से दो से तीन चार छः और बारह से लगेगा ठीक है और पूछा कितने गुणनखंड होंगे तो एक दो तीन चार पाँच और छः तो बारह के कुल छः गुणनखंड होंगे कौन कौन से तो आपके यहाँ पर निकाल दिया हमने लेकिन वहीं अगर पूछ देगा आपसे कि एक सॉरी बारह सौ का कितने गुणनखंड होंगे चौदह सौ कितने गुणखंड होंगे बारह लाख का कितने गुणखंड होंगे और कौन कौन से होंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा निकालने में ठीक है जो कि इम्पॉसिबल है मौखिक निकालने से ठीक है इसको निकाल हम ट्रिक से ट्रिक क्या देखेंगे हम लोग क्या पूछ रहे हैं बारह सौ का पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप करेंगे क्या बारह सौ का गुणनखंड तो बारह सौ का अभाजुनखंड होता है कितना आपका दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह तीन अड़तालीस गुने पाँच गुने पाँच अब बोलिएगा हमने ये कैसे कर लिया देखिएगा एक ट्रिक होता है आप हाजी गुन खंड निकालने का भी ट्रिक होता है ट्रिक क्या होता है देखिएगा यहाँ पे बारह सौ है तो यहाँ पर लिखिए बारह सौ बारह सौ का आप एलसीयम निकाल दीजिए आसानी से निकल जाएगा अगर आपको एल्सीयम नहीं निकालने हैं तो एक और ट्रिक बारह का केवल निकालिए तो बारह गुणनखंड क्या होगा आपका तो दो दूनी चार ती बारह इतना तो पता है ही आपको ठीक है बाकी कितना जीरो बचा आपका दो जीरो बचा तो एक जीरो के बदले आप एक बार लिखाएंगे क्या दो गुने में पाँच एक जीरो खत्म फिर एक जीरो बचा है तो फिर करेंगे क्या दो गुने में पाँच क्लियर है आप इस प्रकार आप भाज निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का देखिए यहाँ पे दो कितनी बार है एक दो तीन और चार बार हमने कितना लिखा एक दो तीन और चार तीन कितनी बार है आपका एक बार है तीन एक बार हो गया पाँच दो बार है आपका एक और दो तो पाँच दो बार निकल गया ठीक है यानी कि बारह सौ का अब भाजखंड तो निकाल लिया हमने लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा था कि कुल कितने गुणनखंड होंगे यानी कि नंबर पहला में क्या पूछ रहा आपका नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे दो कितनी बार आपका एक दो तीन और चार बार है तो लिखेंगे क्या दो के पावर में चार गुणे तीन कितनी बार आपका एक बार है तो तीन के पावर में एक गुणे पाँच कितनी बार है दो है तो पाँच के पावर में दो तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे आप लोग ठीक है नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा अक्सर जान आपको नंबर ऑफ फैक्टर ही पूछता है ठीक है या फिर टू के गुणज पूछ सकता है थ्री का फैक्टर पूछ सकता है ठीक है तो नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ठीक है तो दो के पावर में कितना है चार तो पावर में आप एक जोड़ देंगे पावर में आप क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो चार में एक जोड़ेंगे कितना होगा पाँच पाँच होगा प्लस करेंगे तीन के पावर में क्या एक है इसमें एक और जोड़ देंगे कितना होगा दो तो यहाँ पर दो लिखेंगे इसी प्रकार पाँच की पावर में क्या है दो है दो में आप एक और दो एक जोड़ देंगे कितना हुआ तीन होगा ठीक है कितना हुआ तीन होगा अब करेंगे क्या हम लोग तो इतना करने के बाद करने के आपको इन तीनों का आपस में जोड़ देंगे तो पाँच प्लस दो ते हैं सात सात प्लस का तीन तेज दस यानी कि बारह सौ का कुल दस ही गुणनखंड होगा आपका केवल केवल दस गुणनखंड होगा कौन कौन से होगा पूछेगा तब थोड़ी समस्या होगी कौन कौन से होगा हालांकि हम लोग समस्या नहीं होगी निकाल सकते हैं कैसे देखिएगा देखिएगा अब यहाँ पे करना क्या आपको यहाँ पे पावर के रूप में लिख लिए हम लोग ठीक है तो करने के आप हाँ क्या है दो के पावर में चार है तो लिखना है आपको दो के पावर में जीरो शुरू करने हैं दो के पावर में जीरो होगा फिर करने दो के पावर में एक दो के पावर में दो दो के पावर में तीन और दो के पावर में चार यानी कि जीरो शुरू करने हैं जहाँ तक है आपको वहाँ तक लिख देना है आपको ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक यहाँ पे तीन के पावर में जीरो है तो तीन के पावर में सॉरी तीन के पावर में ज़ीरो शुरू करेंगे और तीन के पावर में एक तक लिखेंगे ठीक है पांच की पावर में दो है तो पांच के पावर में जीरो शुरू करेंगे पांच के पावर एक और पांच के पावर में दो लिखेंगे इतना करने के बाद अब बताइए किसी भी संख्या पावर जीरो होने का वैल्यू कितना होता है एक होता है हमारा तो यहां पर क्या होगा हमारा एक ही होगा और यहाँ भी क्या होगा एक होगा और दो के पावर में एक का वैल्यू होता है दो दो के पावर में दो का वैल्यू होता है चार दो के पावर में तीन का वैल्यू होता है आठ दो के पावर में चार का वैल्यू होता है सोलह कैसे होता है इसका डबल कीजिए एक का डबल दो दो का डबल चार चार डबल आट, आट का डबल आठ आठ का डबल सोलह तीन के पावर में एक का वैल्यू तीन आपका होता है पाँच के पावर एक का वैल्यू पाँच होता है पाँच का इसका होता है कितना ट्वेंटी फाइव यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आपको अब करना क्या है अब यहाँ पर आपको लिखना है कितना बारह सौ बारह सौ क्योंकि इसी का तो दुगनखंड निकलना आपको अब देखिएगा यहाँ पे शुरू करना यहां कर यहां है यहाँ से लेकर आपको यहाँ शुरू करना है एक दो चार आठ और सोलह लिख हैं आपको सिंपली एक दो चार आठ और सोलह पहला निकल गया हमारा अब इस लाइन में चलने आपको एक तो हो गया पहले से यहाँ पे रिपीट नहीं करने हैं तो क्या बच गया हमारा तीन तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आप लोग तीन लिखेंगे अब इसमें चलेंगे क्या है एक यहाँ पहले से हो चुका है बचा किया आपका पाँच और पच्चीस तो लिखेंगे कितना हम लोग पाँच और पच्चीस ठीक है कितने हो गए आपका एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ हो गए आपका ठीक है हो गया देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है मिस्टेक क्या यहाँ पे प्लस नहीं करना है आपको यहाँ पे गुना करना है क्या करना है गुना ठीक है तो पाँच दो नहीं दस और दस तीन कितना होगा तीस यानी की संख्या का आपका तीस टोटल तीस हो जाएगा हमारा ठीक है तीस तो हमने क्या किया यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो निकाल लिया बाकी जो बचा है निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा ध्यान देंगे आपको एक से क्या करने हैं सभी मल्टीप्लाई करने हैं इस एक से तो इस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हुआ एक एक कम दो एक कम एक दो चार आठ सोलह आएगा जो कि हमने लिख लिया पहले से तो आपको एक को छोड़ देने हैं तीन से मल्टीप्लाई करने हैं बारी बारी सभी में तीन एक कम कितना होता है तीन तो हमने तीन भी लिख चुका है पहले से लेकिन तीन गुने में दो करने हैं अब कितना हुआ तीन दूनी छः तो यहाँ पर छः हमने नहीं लिखा है तो लिखेंगे छः फिर तीन गुने में चार करेंगे कितना होगा बारह तो बारह निर्णय लिखा तो लिखेंगे कितना बारह फिर तीन गुने में आठ करेंगे कितना होगा चौबीस तो लिखेंगे कितना चौबीस फिर तीन गुणे में सोलह करेंगे कितना होगा अड़तालीस तो फोर्टी एट लिखेंगे अड़तालीस ठीक है अब आप गुना करने में समस्या हो रही है तो देखिएगा आप एक बार गुना करेंगे एक में इकाई अंक में एक में तीन एक कम तीन कितनी बार है एक दो तीन चार बार है आपको चार बार डबल करने हैं देखिए कैसे एक बार गुना किया तीन हुआ तीन का डबल कितना होता है छः छः का डबल तो है बारह बारह का डबल चौबीस और चौबीस का डबल फोर्टी एट यहाँ आपका इंड होता है ख़त्म हो जाता है ठीक है तब वो चार बार ही करने हैं अब क्या हो गया तीन से तो हो गया अब क्या बचा हुआ है ये वाला एक इस एक से मल्टीप्लाई सभी में करने हैं लेकिन अपने मल्टीप्लाई पहले से कर चुका है ठीक है तो आने कितने पे पाँच पे अब पाँच से कीजिएगा तो एक में तो पाँच ऑलरेडी है हम लोग का यहाँ पर तो पाँच से आपको एक में नहीं करने हैं किस में करने हैं आपको दो में करने हैं तो पाँच गुने में दो कितने होते हैं आपका दस तो लिखेंगे यहाँ पे दस कितनी बार है आपका एक दो तीन बार और है तीन बार इसका डबल करेंगे देखिएगा दस दूनी कितने होता है आपका बीस बीस दूनी कितने होता है आपका चालीस और चालीस दूनी कितने होता है आपका अस्सी और अस्सी दूनी हो अस्सी हो गया आपका देखिएगा पाँच दूनी दस पाँच चौके बीस पाँच वोटे चालीस और सोलह पंजी अस्सी हो गया आपका क्लियर है अब क्या बच गया हमारा पाँच अब पाँच से आपको फिर से करना है क्या थ्री में मल्टीप्लाई तो पाँच गुने में तीन कितने होते हैं आपका पंद्रह होते हैं तो, है तो लिखना है यहाँ पे आप पंद्रह ठीक है पंद्रह होते हैं फिर पंद्रह एकम फिर इसमें गुना करना है।, है अब इसको साथ में पाँच दी हैं पंद्रह पंद्रह एकम पंद्रह ठीक है तो पंद्रह एकम पंद्रह तो हमने पंद्रह लिख दिया है अब क्या होगा पंद्रह दूनी का तीस होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग तीस लिखेंगे ठीक है फिर पंद्रह चौके होता है कितना साठ तो लिखेंगे कितना साठ फिर पंद्रह अट्ठे होता है एक सौ बीस तो लिखेंगे एक सौ बीस फिर पंद्रह गुना सोलह होता है कितना दो सौ चालीस तो लिखेंगे कितना दो सौ चालीस यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं अब बारी रही है पच्चीस की तो पच्चीस से कम कितना होता है पच्चीस तो पच्चीस हमने प्लस लिखा हुआ है पच्चीस दो नहीं कितना होता है आपका पचास तो लिखेंगे पचास पच्चीस चौके कितने होते हैं सौ तो लिखेंगे सौ पच्चीस अट्ठे कितना होता है दो सौ तो लिखेंगे दो सौ फिर पच्चीस गुना में सोलह कितने होते हैं आपका चार सौ होते हैं तो चार सौ हमने लिख दिया अब क्या करना है आपको इस पच्चीस को इस तीन से मल्टीप्लाई करने हैं पच्चीस गुना में तीन करने हैं कितना होगा पच्चीस तीन होता है पचहत्तर तो लिखेंगे सेवेंटी फाइव पचहत्तर क्योंकि पचहत्तर एक पचहत्तर तो पच्चेतर पच्चेतर होता है फिर पचहत्तर गुने दो कितना होता है आपका डेढ़ सौ तो लिखेंगे कितना डेढ़ सौ पचहत्तर गुने में तीन करेंगे सॉरी चार है यहाँ पे चार करेंगे तो कुछ नहीं करने पचहत्तर का डबल होता है डेढ़ सौ तो डेढ़ सौ का डबल कितना होगा तीन सौ होगा हमारा ठीक है तीन सौ डबल करेंगे कितना होगा छः सौ हो जाएगा हमारा और छः से डबल कितना होगा बारह सौ होगा ठीक है अब यहाँ पर हमने काउंट किया है नंबर ऑफ फैक्टर कितना तीस तो काउंट कीजिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और तीस ठीक है तो आप लोग इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर का गुनाखंड आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है बाकी अगर आप दिमाग में सोचना शुरू कीजिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और गलतियाँ भी हो सकती है और काफ़ी समय लगेगा ठीक है दो तीन प्रश्नों का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं करना कुछ नहीं है आपको बारी बारी सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं बाकी आप गुनखंड निकल जाएगा ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए